Hi, good morning friends. I am Pyari from Kolkata. So today is 16th May. Now it is 10:30 AM in the morning. So hope you are all well. आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं. तो एक नए ब्लॉग की शुरुआत. तो मैं अपने गार्डन से थोड़ा सोच रही हूँ कि कुमड़ा का जो फूल है, पम्पकिन फ्लावर है, उसको मैं फ्राई करूँगी. तो तोड़ लेती हूँ तो देखती हूँ कितना फूल खिला है. तो सिर्फ 3 ही फ्लावर्स खिले हुए हैं. तो चलो इसका बड़ा बना देते हैं. इस फ्लावर्स को हमने पहले अच्छे से धो लिया है. तो मैं इसको बेसन से, बेसन में थोड़ा नमक, थोड़ा चीनी और थोड़ा हल्दी से मैं इसको मिक्स कर लूँगी पानी से. और उस बैटर में मैंने पम्पकिन के फ्लावर को डिप करके फ्राई कर लेना है. मेरे हस्बैंड सुबह राइस खा के जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज आम दाल बनाई हूँ, तो उसके साथ ये वड़ा दे दूँगी. तो और आज सुबह मैंने बनाया था पोटल पोटल, तो परवल का, खसखस से परवल, उसका रेसिपी मैंने पहले शेयर कर दिया. तो मैं इसमें वो नहीं दिखा रही हूँ, जस्ट मैंने आज ये भी बनाया. अभी मेरे हस्बैंड का ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है, तो वो खा के निकलेंगे, तो मैं उनके लिए सर्व कर देती हूँ. तो पहले मैं राइस दे रही हूँ, उसमें फिर दो वड़ा जो बनाई हूँ पम्पकिन का फ्लावर का वो दूंगी. और सुबह मैंने बिंजल फ्राई किया था, तो एक बिंजल फ्राई दे रही हूँ. और आम दाल बनाया है, आम से दाल बनाई हूँ, तो गर्मियों में खट्टे दाल अच्छे लगते हैं, तो उनको वो दे देती हूँ सुबह. आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ा आम का चटनी बनाया जाए पतले से. उसके लिए मैंने आम काट के उसमें राई का तड़का लगा के, तो मैंने उसको फ्राई करके उसमें नमक हल्दी और चीनी डालकर थोड़ा फ्राई करने के बाद मैंने उसमें पानी डालकर अब उसको पकने के लिए छोड़ दिया. तो पतला आम का चटनी अच्छा लगता है खाने के बाद. अभी हम मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट से मेरे को फिश लाना है. फिश देखते क्या फिश मिलता है, फिश मैं लेके आती हूँ. सोची मैं आपसे थोड़ा बातें कर लूँ, क्योंकि इसके बाद आऊँगी तो फिर फिश वगैरह बनाना पड़ेगा, तो बात नहीं कर सकते हैं. तो आप मेरे चैनल को, सीरियस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. कोई नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक बटन कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए. कुछ अगर इम्प्रूव करना है तो बताइएगा. तो बने रहिए मेरे ब्लॉग. ये हमारे घर का पेट है, इसका नाम मोंटी है. अभी ये यहीं बैठा है, जब तक मैं यहाँ रहूँगी, जहाँ मैं जाऊँगी वहीं पर ये घूमता रहता है. अभी यहीं पर ये सोया है, देख रहा है, सुन रहा है सब क्या क्या बातें मैं करती हूँ, उसको सब सुनना है. अभी मैं वॉशिंग मशीन में सब कपड़ा डाल देती हूँ. तो जब तक वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह धुलते रहे, तो मैं मार्केट से वो आती हूँ, थोड़ा फिश वगैरह लेके आ जाती हूँ. तो मैं अभी रिक्शा से जा रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं जाके थोड़ा फिश लेके आती हूँ मार्केट से. तो फिश मैंने ले लिया है. अभी मैं सब्जी मार्केट आई हूँ, तो सब्जी मार्केट से मैं थोड़ा सब्जी वगैरह ले लेती हूँ, गाजर, थोड़ा मिर्ची, आम वगैरह, तो ये सब मैं लेके. हम जब सब्जी लेके वापस आ रहे थे, तो मैं देखी तालापामा सब बिक रहा है. तो आई फेल्ट मुझे बहुत खाने का मन हुआ, तो मैं रुक गई. तो वहाँ बहुत टाइम रुकना पड़ता है, क्योंकि वो काट काट के देते हैं, तो इस बहुत यम्मी लगता है, यम्मी टेस्ट रहता है, अंदर पानी भरा रहता है, थोड़ा नारियल जैसे गमलई वाला नारियल जो होता है ना, सॉफ्ट नारियल, उससे भी अच्छा, थोड़ा अलग सा टेस्ट है. बट इट गर्मियों में ऐसे इस टाइम में बहुत अच्छा लगता है. तो मैंने ख़रीदा यहाँ पर, अभी कलकत्ता में बिक रहा है 3 pieces 20 rupees, मीन्स अंदर का 3 pieces 20 rupees. तो मैं मार्केट से वापस आ गई हूँ, और मैं ये सब सब्जी लेकर आ गई हूँ. तो अभी मैं देखती हूँ क्या क्या इसमें लाई हूँ, उसको सजा के रख दे. ये जो पत्ता लाया है, ये मेरे जो जो खरगोश है ना, उनके लिए लाई हूँ. 3 ठोक साग लेके आई हूँ, इसको अलग रख ली हूँ. मैं आम लेके आई हूँ, ये आपको मैं खोल के दिखाती हूँ. पहले मैं रखती हूँ जो जो सब्जी लाई हूँ,
फिर मैं जो खरीदी थी पाम ट्री का फ्रूट वो लाई हूँ, और फिर मैंने लाया केले का स्टेम। ये बहुत आयरन होता है, इसमें खाने से बहुत तबीयत अच्छा रहता है। और दो बैंगन लाई हूँ, अभी बैंगन का बहुत महंगाई चल रहा है तो दो बैंगन लेके आई हूँ। एक लौकी लाई हूँ, एक फूलगोभी लाई हूँ, और करेला लाई हूँ कुछ। गाजर लाई हूँ है, और कुछ भिंडी और वो लेके आई हूँ, भिंडी और मिर्ची को भी मैंने इधर रख दिया। उसको मैं बाद में धो के फिर अलग अलग रखूँगी, भी एक साथ रख देती हूँ क्योंकि मेरे को भी फिश पकाना है, तो इसको मैं एक साथ रख देती हूँ। तो ये मैं आज का सब सब्जी वगैरह लेके आई हूँ। मैं लाई हूँ पान पत्ता, लाई हूँ मीठा पान है ये, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, दो दिन से थोड़ा बुखार था तो मुँह कड़वा कड़वा लग रहा, तो मैं सोच रही खाने के बाद पान खाऊंगी, इसलिए मैंने अपने हाफ गज पान लाया है 20 रुपये। आम लेके आई हूँ पक्का, आम खा रहे थे ना उसको मैंने छिल लिया, उसको छिलके तो ऐसा हो जाता है। तो इसको हमको ये जो हम लाया ना उसको ऐसे छिल लेना पड़ता है, जो ताले छाछ है उसको छिल लेने से ऐसा हो जाता है, फिर इसके अंदर रस लगता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है, एकदम सॉफ्ट रहता है और तेरा हार्ड वाला नहीं, अंदर पानी रहती, फिर जल्दी जाके खाना बैठाती हूँ। यम यम। तो अभी मैं जल्दी जल्दी फिश को कुक कर लेती हूँ क्योंकि मेरी है मदर इन लॉ को मुझे खाना देना है 2 o'clock के अंदर, तो मेरा हो जाएगा जल्दी, अभी टाइम है, अभी 1 o'clock हो रहा है, तो फटाफट मैं करके फिर उनको खाना सर्व कर देती हूँ। और मैं खरगोश को भी मेरे को खाना सर्व करना है। फिश करी रेडी हो चुका है, अभी मैं इसे सर्व कर दूंगी और जो खरगोश का खाना है वो भी सर्व कर देंगे। और जो मेरे टेरेस वाले गार्डन में अपने लिए चलती हूँ वहाँ पर आप देखिए मेरे जो पेड़ चेरी वाला प्लांट है उसमें चेरीज खिले हुए हैं, तो चेरीज में फूल बहुत सारे आए थे मगर गर्मी की वजह से फूल पूरे झड़ गए, अभी कुछ थोड़े से ही बचे थे उसी पे ये सब चेरीज खिले हुए, नहीं तो पेड़ में पूरे भर के फूल आया था। तो आप सब कमेंट कीजिएगा किसको चेरीज पसंद है, तो वो कमेंट में लिखेंगे कि चेरीज पसंद है, और मेरे चेरीज जो पेड़ के चेरीज है वो कैसे दिख रहे हैं। और ये जो गुलाब का फूल है ये मेरे टेरेस में खिला हुआ है आज, तो ये साइज थोड़े इसके छोटे है अभी गर्मी की वजह से। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।